हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जे यूट्यूब चैनल। आज के स्क्रीन में मैं बताने वाला हूँ एक लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से। सऊदी अरेबिया टू ओपन रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेस्टिक पिलग्रिम्स फॉर नेक्स्ट हज अर्ली। यानी सऊदी अरेबिया डोमेस्टिक पिलग्रिम्स के लिए हज के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा है और ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर डेट भी दी गई है, आप देख सकते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा इज़ प्रिपेयरिंग टू ओपन रजिस्ट्रेशन ऑफ डोमेस्टिक पिलग्रिम्स फॉर द नेक्स्ट हज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द हिजरी मंथ सफ़र सेप्टेम्बर। यानी सेप्टेम्बर में ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है जो लोकल सऊदीज हैं, जो लोकल डोमेस्टिक पिलग्रिम्स हैं सऊदी अरेबिया के, वो लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। आउटसाइडर के लिए नहीं, ये सिर्फ है डोमेस्टिक पिलग्रिम्स के लिए। जो इनसाइड सऊदी अरेबिया में रहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है मंथ ऑफ सफ़र, यानी सेप्टेम्बर मंथ में स्टार्ट होने वाला है। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम द मिनिस्ट्री स्टार्ट हज रजिस्ट्रेशन सो अर्ली। यानी ये पहली बार है जो मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है हज रजिस्ट्रेशन का बहुत जल्दी। द मिनिस्ट्री हेल्ड अ मीटिंग विद द कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल फॉर डोमेस्टिक पिलग्रिम्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द बिजनेस सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म ऑन थर्सडे टू डिस्कस द मैकेनिज्म फॉर रजिस्टरिंग डोमेस्टिक पिलग्रिम्स एज पार्ट ऑफ अर्ली प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग हज सीजन। द मिनिस्ट्री प्लान्स टू इंट्रोड्यूस ए न्यू फोर्थ सेगमेंट अंडर द नेम इकोनॉमिक टू, विच इंक्लूड्स हाउसिंग इन बिल्डिंग्स outside Mina, and to cancel the electronic lot for selecting pilgrims. The pilgrim can register at the facility directly with 25% of the seats reserved for pilgrims aged over 65 years. और इसमें जितना भी कोटा है इसमें 25% सीट रिजर्व रहेगा अबव 65 years old pilgrims के लिए। जो जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है ये लोगों के लिए 25% एक रिजर्वेशन दिया गया है। 25% कोटा जो सीट्स का रहता है ये रिजर्व किया गया है ये लोगों के लिए, स्पेशली जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। द न्यू मैकेनिज्म रिक्वायर पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस बिफोर 30th ऑफ जुमादल अव्वल 1444 दिसंबर 24, 2022। यानी फर्स्ट पेमेंट इसकी आपको दिसंबर 24 यानी 30th जुमादल अव्वल 1444 से पहले आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी इन टू इंस्टॉलमेंट्स, यानी दो इंस्टॉलमेंट के थ्रू। द इंस्टॉलमेंट मस्ट बी पेड विदिन 72 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी इंस्टॉलमेंट आपको रजिस्ट्रेशन करने के 72 घंटे के अंदर ही आपको पेमेंट करना है। एंड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट कैन बी पेड टिल, और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है ये आपको 30th जुमादल अव्वल 1444 यानी दिसंबर 24, 2022 से पहले आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी पे करना होगा। प्रोस्पेक्टिव पिलग्रिम्स आफ्टर दिस डेट विल हैव टू मेक एंटायर पेमेंट विद इन 72 आवर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आज के इसमें बस इतना ही था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग हज रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि डोमेस्टिक पिलग्रिम्स के लिए स्टार्ट होने वाला है सेप्टेम्बर में, और इसकी पेमेंट आपको फाइनल करनी होगी दिसंबर 24, 2022 यानी 24 दिसंबर 2022 से पहले आपको दोनों भी इंस्टॉलमेंट आपको पे करना होगा। यानी तकरीबन आपके पास सेप्टेम्बर में अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तकरीबन आपके पास 3 महीने रहेंगे पेमेंट के लिए। तो आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं 2 इंस्टॉलमेंट्स पे, और ये सिर्फ ओपन है रजिस्ट्रेशन डोमेस्टिक पिलग्रिम्स के लिए जो कि सऊदी अरेबिया में इनसाइड अवेलेबल है, चाहे वो लोकल सऊदीज हो या लोकल रेजिडेंट्स हो, जो भी हो जो सऊदी अरेबिया में अवेलेबल है उन लोगों के लिए ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। और ये पहली मरतबा है जो कि सऊदी अरेबिया ने स्टार्ट किया है रजिस्ट्रेशन टू अर्ली, यानी बहुत जल्द स्टार्ट किया है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सऊदी अरेबिया ने प्रिपरेशन के बनिस्बत प्रिपरेशन के लिए ये लोग स्टार्ट किए हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आउटसाइडर के लिए भी रजिस्ट्रेशन का क्या डिटेल्स है वो अपडेट आएगा। तो आज के इसमें बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे जे यूट्यूब चैनल को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।